हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। ये है आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, श्रीनिवास रामानुजन टेक्स्ट बुक। तो अब हम लोग चालू कर लेते हैं, जिसमें श्रीनिवास रामानुजन की कहानी है। श्रीनिवास रामानुजन द मैन हु लिव्ड विद नंबर। वी सेलिब्रेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन इन 2012। हम लोग 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। मतलब ये मनाया गया था, ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि 2012 तो चला गया। एनोग्रेटिंग मतलब होता है टू स्टार्ट द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी स्टाफ। जब क्या हो रहा था, पूरा जब उनका सेलिब्रेशन हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में ऑन 26 दिसंबर को, तो फिर जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 2012 में ऐसा डिक्लेयर किया था कि जो 26 दिसंबर है वो क्या है, नेशनल मैथमेटिकल ईयर है। अच्छा, नेशनल मैथमेटिकल ईयर वही क्यों हुआ, क्योंकि वो था रामानुजन का बर्थडे, तभी उनका जन्म हुआ था। अब कभी मारा तो स्टैम्प इन ऑनर ऑफ श्रीनिवास रामानुजन वॉच इशूड। अब एक कमी मारा थी, यानी इनकी याद में हमने एक कमी मारा थी स्टैम्प बनाया। कमी मारा थी मतलब इनकी याद में एक स्टैम्प बनवाया, जो इशूड मतलब होता है रिलीज, जो रिलीज हुआ ओकेशन पे उनके। वंस ऑफ मैथमेटिकल पीरियड, एक मैथमेटिकल का पीरियड था क्लास 8 का है, इसको हम रोमन नंबर में 8 को ऐसे लिखते हैं। वॉच इन प्रोग्रेस जब चालू थी इन अ स्मॉल स्कूल, एक छोटी सी स्कूल थी तमिलनाडु में, एंड नंबर वेन द, क्या ये कौन बोल रहा है, सर बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर उसी सेम नंबर से डिवाइड हो तो क्या आता है, 1। पर जो ऐसा कौन बोलता है, टीचर, ऐसे टीचर बोलते हैं। बट सर व्हाट इफ इट इज 0। अब किसी लड़के में से उन्होंने एक सवाल पूछा, किसी लड़के ने ऐसा सवाल पूछा कि सर ये 0 का क्या होगा, एक लड़के ने ऐसा पूछा। आंख और थींदार, कौन से लड़के ने पूछा, जिसकी काली काली आंख थी, जिसकी काली काली आंख थी वो वाले लड़के ने उनसे बोला कि उसके रहते हुए जो उसके टीचर थे उनकी स्पीचलेस, मतलब कि उसने जो क्वेश्चन किया उसका टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। द बॉय वॉज श्रीनिवास रामानुजन, जो बॉय थे वो श्रीनिवास रामानुजन थे। द मैथमेटिकल जीनियस, मैथमेटिकल के जीनियस हु मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिकल, उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन, ये सब उन्होंने ऐसा चालू हुआ, जैसे कि एनालिटिक्स, नंबर थियरी, इन्फाइनाइट थियरी, कंटिन्यू उन्होंने फ्रैक्शन स्टार्टिंग की थी, ऐसे ये सब चीज़ उन्होंने अपनी छोटी सी और उम्र में सॉल्व किए थे। उनकी सिर्फ 32 साल की उम्र में हार्ड हार्ड क्वेश्चन नंबर उन्होंने सॉल्व कर दिए थे। ये रामानुजन इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है अकेले, कंपाइल नियरली 3900 रिजल्ट, उन्होंने अकेले ही 3900 रिजल्ट मैथमेटिकल में लाए थे, वो भी ज़्यादा कर मोस्टली इन द आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस में उनके ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रिजल्ट पाए थे। अब बट ऑन दिसंबर 1887 उनका जन्म हुआ, तो 22 दिसंबर 1887 में इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब फैमिली में उनका एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, तिरोत में हुआ था तमिलनाडु में। रामानुजन इंटरेस्ट थे किसमें, मैथ में, अपने बचपन से ही डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब होता है बताना, अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल के, उन्होंने अपने स्कूल में अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स जो थे वो अपने टैलेंट से तोड़ दिए, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। बाय द टाइम ऑफ ही वॉज, जब वो 14 साल के थे तो त्रिग्रमेट्री का वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे जो कॉलेज के भी स्टूडेंट नहीं कर पाते थे।
fresh as it had it may sound the school boy who stood first his class. वो अपने क्लास में खुद टीच ट्रिग्नोमेट्री तो उसने भी फॉलो. वो जब वो छोटे से 14 साल के थे तब वो कॉलेज के स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जाते थे. वॉज अनेबल टू सिक्वायर पास मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथमेटिक्स. वो कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते थे सिवाय मैथमेटिक्स में. बल्कि उसका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क आते थे पर उसके अलावा सारे सब्जेक्ट में वो दफू थे अदर देन मैथमेटिक्स. व्हेन ही एंटर्ड कॉलेज जब वो कॉलेज में गए ही अपीयर थ्री टाइम्स फॉर हिज एफए एग्जाम. उन्होंने तीन बार अपने एफए एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन दी पर वो फेल हो गए. क्यों? क्योंकि उनके इंग्लिश में पासिंग मार्क भी नहीं आते थे. ऐसे मार्क भी नहीं आते जिससे वो पास भी हो जाए. ऐसे भी मार्क नहीं आते. रिजेक्टेड बाय हिज क्लास. जब वो उसकी कॉलेज एजुकेशन से उसको रिजेक्ट कर दिया गया तो जो रामानुजन थे वो लेटर लिखते हैं जी एच हार्दी को. उस जी एच हार्दी कौन थे? उस जमाने के मैथमेटिकल जीनियस थे वो. अब आगे बढ़ते हैं. एट कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज में 1930 फॉरवर्डिंग हिज रिसर्च वर्क. जब वो एक रिसर्च कर रहे थे वर्क में 1930 में तो जो इम्प्रेस हुआ कौन? वो यूनिवर्सिटी जो थी वो इम्प्रेस हो गई रामानुजन से और उन्होंने बिना उनको कोई फॉर्म या एप्लीकेशन के बिना ही उनको अपने अपने जो यूनिवर्सिटी थी उसमें बुला लिया 1914 को. कब? 1914 को. वाइल एट कैम्ब्रिज जब वो कैम्ब्रिज में थे ही पब्लिस मैनी पेपर्स. उन्होंने बहुत सारे पेपर्स वैरायटी ऑफ हर अलग अलग किस्म के टॉपिक पे पेपर्स पब्लिश कर दिए. ही वॉज इलेक्टेड इन दी लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी. उसके बाद वो लंदन मैथमेटिक एक लंदन थी जिसमें एक मैथमेटिकल सोसाइटी की गली थी उसमें उनको सिलेक्ट किया गया. उसमें सिर्फ मैथमेटिकल के लोग ही रहते थे. ही बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1918. फिर वो 1918 में रॉयल सोसाइटी में गए अपनी पढ़ाई करने के लिए. द यंगेस्ट वन टू डू सो. ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं कर सकता था इसके लिए वो रॉयल सोसाइटी में गए. ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन. वो अपनी पढ़ाई एंड इलिपेक्ट फंक्शन एंड थियोरी नंबर उनको जो इलिपेक्ट फंक्शन थे थियोरी ऑफ नंबर थे उसके लिए उनको लिया गया. हावेवर दिस स्ट्रेनियस वर्क. जब ये इतना मेहनत करते थे पर वो इतना खुद मतलब जब जो इतना मेहनत करते थे वो खुद के खाने ये सब पे ध्यान नहीं देते थे. लॉने लाइन वो अकेले पड़ जाते थे. टुक देयर टोल ऑन हिज हेल्थ एंड रामानुजन फेल इल. और 1917 में वो रामानुजन इल हो गए और फिर वो इंडिया है 1919 में और वो अप्रैल 26, 1920 में वो मर गए. उसके बाद ये है इधर थोड़ी सी कहानी दी गई है पढ़ लेते हैं. वही है मतलब ये इसी का चेहरा है. एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी. 125th बर्थ एनिवर्सरी उधर एक रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी बनाई गई थी हेल्थ सीरीज. वहाँ पे एक्टिविटीज होती है मैथमेटिकल पे. मैथमेटिकल सेंटर है जिसका नाम है रामानुजन बॉस सेटअप एट उसका एक शहर मैथमेटिकल सोसाइटी बनाई गई चेन्नई में. इट हैज अ होस्ट इधर के जो होस्ट मतलब म्यूजियम में वहाँ पे एक म्यूजियम होता है वहाँ पे जो सब जो उनके बारे में सब बताया गया है उनकी हिस्टोरी मैथ की वो सब. इन इंडिया वॉच ऑल्सो मेड और इंडिया ने भी ऐसा ये जब ये डॉक्यूमेंट्री ये सब बनाया. इफोर्ट विल ऑल्सो बी मेड टू ब्रिंक आउट ऑफ बायोग्राफी और उनके लिए एक बायोग्राफी बनाए. रॉबर्ट कानिगल ने उनका एक बायोग्राफी बनाया जिसमें नाम है अ लाइफ ऑफ द जीनियस जिंदगी के जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश इंग्लिश लेटर में उन्होंने बनाया था. तो फिर कीवर्ड है इनोग्रेटिव टू ऑफिशियली ओपन और स्टार्ट समथिंग कमेमोरेटिव अटेम्प्ट टू रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट एन इम्पोर्टेंट पर्सन और इन्वेंट इन द पास्ट फ्रैक्शन और स्मॉल पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग कंपाइल टू कलेक्ट एंड ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट आइटम्स अकोलेट प्राइज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट. ट्रिग्नोमेट्री द टाइप ऑफ मैथमेटिकल डीलिंग विथ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इलिपिक्ट जियोमेट्री. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर का कहानी रामानुजन की खत्म होती है.